since the beginning of our American history, we have been engaged in change, in a perpetual, peaceful revolution. अमेरिका को दुनिया में चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स माना जाता है, जबकि भारत में बुनियादी इंसानी हकूक को किस तरह पामाल किया जाता है, ये सारी दुनिया के सामने है। कश्मीर इसकी एक बड़ी मिसाल है, जहां नहत्ते लोगों पे भारतीय अफवाज दिन रात मुजालिम ढा रही हैं, इनका जीना मुश्किल कर रखा है। आलमी बिरादरी की मजम्मत के बावजूद भारतीय हुकूमत बेलगाम घोड़े की तरह अंधाधुन मुजालिम ढाने में मशगूल है। कश्मीर के अलावा भारतीय रियासतों के अंदर भी इंसानी हकूक को पैरों तले रोंदा जा रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ माइनॉरिटीज, दलित और दीगर पिसे हुए तबकों की, जिनको दिन रात ऊंची जात कहलाए जाने वाले ब्राह्मणों की तरफ से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। दलित आज के जदीद दौर में भी अछूत कहलाते हैं, ब्राह्मण इनके साय से भी नफरत करते हैं, इसीलिए इनको हर बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है और इनसे जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो वो भी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहलाता है, जबकि मोदी सरकार ने इस जमहूरियत के मुंह पे कालक मल्ले में कोई कसर नहीं छोड़ी। CNRC जैसे कानून हमें चीख चीख के बताते हैं कि अकलियतें वहाँ किस हाल में हैं। किसानों का आंदोलन हमें ये बताता है कि गरीब के साथ क्या सलूक हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर टेक समिट 2021 में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस को मधु किया है। अब सवाल ये है कि इंसानी हकूक के अलमबरदार मुल्क की वाइस प्रेसिडेंट इस प्राइम मिनिस्टर के इनविटेशन को कैसे कबूल कर सकती है, जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी में सफ़े अव्वल में है।